अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मामले में सीबीआई ने 8 इंजीनियरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस केस में रूप सिंह यादव, सुरेंद्र सिंह यादव, काजिम अली, शिव मंगल यादव, कमलेश सिंह और तत्कालीन चीफ इंजीनियर गुलेश चंद समेत 8 लोगों के नाम शामिल हैं। इन सभी लोगों के खिलाफ अनियमितता और कथित भ्रष्टाचार की धाराओं में केस दर्ज करवाया गया है। आरोप के मुताबिक 1513 करोड़ रुपए के खर्चे वाले प्रोजेक्ट में बगैर काम किए ही 1437 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर दिए गए और शिकायतों के बावजूद काम पूरा नहीं हुआ। आरोप ये भी है कि प्रोजेक्ट का ठेका डिफॉल्टर कंपनी को दिया गया। मार्च 2017 में सरकार ने मामले की जांच शुरू की, जिसके बाद न्यायिक जांच समिति की रिपोर्ट 19 जून को सिंचाई विभाग की ओर से गोमती नगर थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच जुलाई में सीबीआई को सौंपी गई। आरोपों और सच की सच्चाई सामने आने के लिए सीबीआई जांच के नतीजों का इंतजार करना होगा। संगीता सिंह, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।